हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 45 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 3 मई को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम पंजाब किंग्स की बात करें तो रिसेंटली 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस का भी सेम है, यहाँ पे 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है और 2 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर दोनों इक्वली फॉर्म से आगे बढ़ रही है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो जहाँ पे पंजाब किंग्स 5 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं मुंबई इंडियंस भी 5 मैच जीत के आ रही है। तो हेड टू हेड में भी देख सकते हैं कि दोनों काफ़ी अच्छा एक दूसरे को बीट करके आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैच में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे पंजाब किंग्स का 60% देखने को मिल रहा है, तो मुंबई इंडियंस का 50%। वहीं अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो जहाँ पे पंजाब किंग्स का 177 है, तो मुंबई इंडियंस का 179 है। हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो पंजाब किंग्स का 214 है, तो मुंबई इंडियंस का भी 214 है। लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब किंग्स का 143 है, तो मुंबई इंडियंस का 152 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी पंजाब किंग्स स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है कंपेरिजन के मामले में। बर्तन चलते हैं वेदर की, और आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी। तो मोस्टली थोड़ा सा क्लाउडी रहने वाली है। अगर वहीं सेल्सियस की बात की जाए तो 24.4 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी देखें तो 54% रहेंगे, वहीं 55% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पर कैसा होने वाला है। तो इस पिच पर अभी तक टोटल 7 मैच प्ले किए गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच के सर्फेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रख सकती है, क्योंकि डिफेंस में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो वो भी मैच चेस कर सकती है। यानी इस पिच पे देख सकते हैं अधिकतर मैच हमने अभी एनालाइज की तो पता चला कि जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो वो भी मैच जीत सकती है, और जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो वो भी मैच जीत सकती है। और अगर इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग में 167-70 के रन में भी जा सकती है। अगर सेकेंड इनिंग की बात की जाए तो सेकेंड इनिंग में 155-156 रन में भी जा सकती है। तो इस पिच में अभी तक जितने भी मैच खेले गए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ, तो ये भी मैच उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छा मैच हो सके। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहली टीम पंजाब किंग्स की बात करें, नो डाउट अच्छी टीम है, बट यहाँ पर पंजाब किंग्स को अपना बैटिंग लाइनअप सुधारने की ज़रूरत है। वहीं अगर दूसरी टीम मुंबई इंडियंस की बात करें, नो डाउट ये भी टीम अच्छी है, बट मुंबई इंडियंस को भी अपना बैटिंग और बॉलिंग दोनों सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। पिछले सीजन में देखा गया था दोनों अच्छा फॉर्म कर रहे थे, बट इस सीजन में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों अभी इक्वल पॉइंट पर चल रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक टीम जीत सकती है। जो भी टीम स्ट्रांग होगी वह मैच निकाल के आगे बढ़ सकती है। तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त होगा, तो आप लोग जरूर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेड एक विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस। फ्रेंड, दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम पंजाब किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो शिखर धवन, जितेश शर्मा, सिकंदर राजा, सैम करन। वहीं दूसरी टीम मुंबई इंडियंस के की प्लेयर की बात करें तो ईशान किशन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, पीयूष चावला, ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली हमने अभी हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिए। अब चलते हैं लास्ट कॉल ऑफ विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए पंजाब किंग्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।